होटल गांव पेंगलथू में शराब के नशे में अपने ही दोस्त की ईंट पत्थरों से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। होटल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव पेंगलथू में 22 वर्षीय युवक केशव देव उर्फ कृष्ण की हत्या करने वाला आरोपी गांव के अड्डे पर मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित करके मौके पर दबिश दी और आरोपी को काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान गांव पेंगलथू निवासी भागीरथ के रूप में हुई है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि बीते 13 सितंबर को उसने और उसके दोस्त केशव देव ने गांव में बने शमशान घाट के समीप शराब पी थी और शराब के नशे में उसकी केशव के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि उसने ईंट पत्थरों से हमला कर केशव की हत्या कर दी। सर उसमें मुकदमा दर्ज कर फिर तफ्तीश की, आरोपी का पोस्टमार्टम कर वो मृतक का पोस्टमार्टम करा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दो दिन की पुलिस रिमांड पर आज पेश अदालत किया जाएगा। तो सर क्या था मामला, जो आरोपी आपने गिरफ्तार किया क्या नाम है उसका, कहाँ का रहने वाला है? भागीरथ नाम है, छोटे लोहरी जाति कुमार है, पेंगलथू गांव का रहने वाला है। ये दोनों ने बैठ के वहाँ 13 तारीख को शराब पी थी। शराब पीने के बाद इनके आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी पे ठाके इसने भागीरथ ने उसको ईंट से चोटें मारी, जिस कारण उसकी